तो आगरा में जनसभा हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने तीर्थ स्थलों का विकास किया, स्मार्ट सिटी नहीं, यूपी का युवा भी स्मार्ट हो रहा है, लेकिन पहले की सरकारों में नौकरी के नाम पर लूट होती थी और लोग गरीबों के अनाज और शौचालय भी खाए जाया करते थे और उन्हीं लोगों पर 10 मार्च के बाद फिर से बुलडोजर चलना शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि सपा के शासनकाल में विकास केवल कब्रिस्तान की बाउंड्री में दिखता था, लेकिन इस बार विकास युवाओं का हो रहा है, विकास तीर्थों का हो रहा है, विकास उस आखिरी व्यक्ति का हो रहा है जिसे योजनाओं की जरूरत तो होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में उन योजनाओं का फायदा लोगों को मिल ही नहीं पाता था। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार फिर से यूपी में विकास करेगी और उन्होंने ये भी कहा कि इत्र वाले मित्र आगरा वालों के आसपास ही रहते हैं, इन लोगों ने लूट की लोगों के संसाधनों की, और यह भी आरोप लगा कि सपा ने दंगाइयों को टिकट दिया है, बलवाइयों को टिकट दिया है और ये चाहते हैं कि एक बार फिर से प्रदेश को अपराधियों के हाथों में छोड़ दिया जाए, दंगों की आग लगा दी जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार फिर से यूपी में विकास करेगी और माफिया इस बात से टेंशन में है कि 10 मार्च के बाद आखिर क्या होगा, और सीएम ने कहा कि 10 मार्च के बाद एक बार फिर से ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर चलेंगे जो लोग गरीबों को परेशान करते हैं या कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनते हैं।